नवजीवन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आज ऑनलाइन मिनिस्ट्री के माध्यम से हम आपसे परमेश्वर का वचन बांटना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम कहता हूं और आज के इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है, यीशु मसीह श्रेष्ठ नाम, उस नाम में हम विश्वास करें, उस नाम में हम पापों की क्षमा पाएं, उस नाम में चंगाई पाएं, उस नाम में शांति पाएं। आइए हम दुआ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कोरोना महामारी के कारण हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे, लेकिन परमेश्वर आपने हमें मौका दिया कि हम घर में बैठे आपका नाम लें, आपके नाम की बढ़ोतरी करें। हम बाइबल पढ़ें, बाइबल के वचन पर विश्वास करें, बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास करके हम अपने पापों को मान लें। और यिर्मयाह 29:11 वचन में यही परमेश्वर आपने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे योजनाएं की हैं, जो विपत्ति के लिए नहीं लेकिन भविष्य में आपकी उन्नति और शांति के लिए। सच में परमेश्वर ये वचन हमारे लिए जीवन में आज काम करे। प्रभु हमें जैसे अब्राहम के पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन हमारे पास आज जीवन की आशा है। ये जीवन में भी हम खुशहाल और आनंदित जीवन जिएंगे और आने वाले जीवन में भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएंगे, अनंत जीवन बिताएंगे। प्रभु जी हम आज के वचन से बहुत बहुत धन्य हो गए, बहुत बहुत आशीषित हुए। प्रभु जी जो हमारे लिए आज आवश्यकता थी, प्रभु जी कोरोना महामारी में हमें चंगाई की जरूरत है, यहोवा राफा हमारे लिए चंगाई देता है। हमें शांति की जरूरत है, प्रभु जी वहाँ हमें शांति मिलती है। जहाँ सहायता की जरूरत है वहाँ हमें सहायता मिलती है। जो भी हमें जरूरत है प्रभु जी, जहाँ हमें विजय चाहिए हमें विजय दिलाता है। जहाँ जहाँ जो जरूरत है प्रभु जी, आज आपके नाम के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपके चंगाई के कामों के द्वारा, आपकी महिमा के द्वारा हमारे जीवन वचन काम करने लगे, ऐसा होने दिए। प्रभु जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रभु जी सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनको बहुत आयास आशीषित करें। जो भी लोग आज बीमारी के बिछौनों पर है, जो भी जिसके भी परिवार के सदस्य है, जो अस्पताल में है, ऑक्सीजन पे, कोरोना की ट्रीटमेंट चली, अन्य रोगों की ट्रीटमेंट चल रही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य उनके पास जाए, वो सामर्थ्य उनको पहुंचे और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको चंगाई मिले। जो लोग मायूस हो चुके, जीवन में हार चुके, जिनके पास नौकरी नहीं, जिनके पास आमदनी, जिनके पास बहुत ज्यादा कर्जा है, डरे हुए हैं, उनको प्रभु आप यहोवा शालोम परमेश्वर उनको शांति दो। जो परेशान है, हार चुके जीवन, उन्हें आप विजय दीजिए, प्रभु जी प्रार्थना करता हूं। जो लोग प्रभु ये वचन पूरा सुन रहे हैं, जो ग्रहण किया, जिन्होंने समझा प्रभु जी, उनको बहुत आयास आशीषित करो, धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन और आमीन।